गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 4 और हम निकलने वाले हैं गंगोत्री के लिए। आज हम वहाँ जब पहुँचेंगे तो 6-7 घंटे रास्ते में लग जाएंगे। कल मॉर्निंग में हम गंगोत्री के दर्शन करेंगे। एंड गाइस, गुड न्यूज़, मेरा एक धाम कंप्लीट हो गया है कल, वेरी हैप्पीली, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। थोड़े इश्यूज एक तो छोटे मोटे हुए हैं, वो चल जाते हैं, नो प्रॉब्लम। तो स्टे ट्यून्ड, भी अच्छा वेदर है इस टाइम, बहुत ही प्लेजेंट है मौसम, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये हमारी गाड़ी है एंडेवर, से ही हम आए हैं। तो गाइस, जब भी आप यहाँ से यमुनोत्री के लिए जा रहे हैं, रास्ते में आपको पड़ेगा सियान चट्टी, जहाँ पे होटल दिव्य प्रिया, होटल दिव्य प्रिया, ये काफ़ी अच्छा होटल है, हम लोग उसी में हमने स्टे किया था। और बहुत अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम है, इनका ब्रेकफास्ट लंच डिनर काफ़ी टेस्टी है, एकदम घर जैसा फील आएगा आपको। ये यहाँ के ओनर है, तो आप जब भी इधर आइए तो आप इनके होटल में ज़रूर स्टे करिए। बहुत साफ़ सुथरे कमरे हैं इनके, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, खाना तो इतना टेस्टी है कि आप भूल जाओगे अपने घर का खाना। तो और ये हैं मैम यहाँ की, मतलब ये ओनर हैं और उनके वो हस्बैंड हैं। और आप लोग जब भी आइए तो यहाँ ज़रूर स्टे करिए। थैंक यू। आए हैं बड़ी दूर से, करते जयकार हम, करते जयकार हम, गंगे मैया के दर्शन को हम, गंगे मैया के दर्शन को हम, आए हैं बड़ी दूर से, करते जयकार हम, करते जयकार हम, गंगे मैया के दर्शन को हम। हम आ चुके हैं अभी उत्तरकाशी, यहाँ पर भी कनाल आएगा, कनाल क्रॉस करने के बाद उसके बाद शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये कौन सी नदी आपने बताई थी, भागीरथी? भागीरथी नदी है, यहाँ से लेके देवप्रयाग तक ये भागीरथी रहती है, गंगोत्री से लेके और देवप्रयाग तक। अच्छा, यह नदी है भागीरथी। हाँ हाँ, तो देवप्रयाग में 3 नदी से आगे मिलेंगी। अच्छा, अलकनंदा मिलेगी उसमें, मंदाकिनी मिलेगी और ये रहेगा, वहाँ से गंगा कहलाती है। ओके, अभी हम आ गए हैं उत्तरकाशी में श्री काशी विश्वनाथ जी के मंदिर पर, और यहाँ पे हम दर्शन करके फिर आगे बढ़ेंगे गंगोत्री के लिए। जय भोलेनाथ की। ये है मंदिर का एंट्रेंस। तो हम लोग अब एंट्री करने जा रहे हैं मंदिर में। तो सब लोग बता रहे हैं जैसे विश्वनाथ जी का मंदिर बनारस में है, वैसे यहाँ पर भी है। पैर जले जा रहे हैं, बहुत गर्म है यहाँ पे। उत्तरकाशी कह रहे हैं पहाड़ों का गर्म स्थान है उत्तरकाशी। शंकर जी का त्रिशूल, पंडित जी ये त्रिशूल कहाँ से आता है, कहाँ से आया यहाँ पे? स्वर्ग मुख से। इसका कहाँ पे यूज हुआ था? देवासुर संग्राम में। अच्छा, देवासुर संग्राम में इसका यूज हुआ था। ये रियल है त्रिशूल। जय भोले बाबा जी। काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। यहाँ शनि देवता का मंदिर है।
बहुत अच्छे से दर्शन किए काशी विश्वनाथ जी के, उनका ओरिजिनल त्रिशूल भी देखा और अब हम लोग चल रही हैं आगे अपनी जर्नी पर। तो यहाँ हमारी चेकिंग होने जा रही है, बायोमेट्रिक होगा, सबका चेक होता है यहाँ पे, चेक पोस्ट है, कौन कहाँ से आया है, सारी चीज़ें रास्ते में ये चेकिंग होती है, चेक पोस्ट है, पुलिस पोस्ट। ये मनेरी है, ये सॉर्ट ऑफ हिल स्टेशन है मनेरी। गाइज हम लोग आ गए हैं गंगोत्री के पास में, एक जगह है धराली, तो हमने यहीं पे हॉल्ट किया है। हम लोग मॉर्निंग में निकलेंगे यहाँ से नहा धो के फ्रेश होके दर्शन करने के लिए। माउंटेन पीक्स दिखा रही हूँ जिसमें कि पूरा स्नो से कवर्ड है फुल, कितना ब्यूटीफुल सीन है, लेकिन शाम हो गई है इसलिए बहुत अच्छा ब्राइटनेस नहीं आ पा रही है। तो यस, और इधर यहाँ पर एक मंदिर है शंकर जी का, अभी वहाँ भी हम लोग जाएंगे और थोड़ा अभी घूमे फिरेंगे, डिनर करेंगे और रेस्ट करेंगे, फिर मॉर्निंग में हम निकलेंगे फिर से। इस साइड भी आपको दिखाती हूँ, इस साइड भी पूरे माउंटेन पीक्स हैं, लेकिन इधर थोड़ा कम है, इस साइड ज़्यादा था। ट्राली में शाम को देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मतलब इस टाइम 7 o'clock हो रहा है लेकिन अभी भी सनलाइट है और थोड़ी थोड़ी सी लाइट्स जल गई हैं और बहुत सुंदर लग रहा है। माउंटेन पीक इतनी प्यारी लग रही है देखिए, और हल्की हल्की सी बौछार पड़ रही है पानी की, जो कि बहुत सुंदर, मतलब बहुत अच्छा दे रही है, प्लेजेंट लग रहा है बहुत ज़्यादा। पहाड़, वाओ, सब इतना प्रिटी है। मुझे हिल्स तो वैसे ही बहुत पसंद है। यहाँ प्राचीन कल्प केदार मंदिर है जो पहले हम जा चुके हैं, अभी हम फिर से यहाँ जाएंगे शायद आरती देखने के लिए। पूरे हिमालय के ऊपर एक ही पेड़ है कल्प केदार, और कल्प वृक्ष है पेड़ का नाम है कल्प वृक्ष। अच्छा, एक ही पेड़ है हिमालय जी, ये वाला, ये पूरा कल्प वृक्ष। अरे अपने ये कल्प वृक्ष है, ये समुद्र मंथन से निकला था। यहाँ पे कल्प शिव जी का मंदिर है, जय भोले बाबा की। ये पांडव ने बनाया है इसको, 5 स्कंद पुराण के हिसाब से इसे 5116 साल हो गए अभी जी। ये पहले 240 मंदिर का समूह आया था, झाला भूकंप आया था ना जब गढ़वाल में पहला, तो झाला के बैंड है ना वहाँ स्लाइड हुआ था, तो ये नदी ब्लॉक हो गई थी पीछे तक 16 किलोमीटर तक, ऊपर झील बन गई थी। 240 मंदिर थे जब वो खुली तो उसमें बह गए, तो उसके बाद की फोटो 1866 की उसमें चीज। हाँ दे दे, ये मेरा लगाया है, ये 3 मंदिर के 1866 के, ये तो फॉर्म आया था उन्होंने खींची थी, ये 1926 के, इसमें 2 दिखते हैं, ये विंटर टाइम की है अभी की, ये है ये शिवलिंग का, ये है जो ये क्या है ना मैम यहाँ पर है शिवलिंग अंदर, ये इसके नीचे का सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अच्छा सीढ़ियाँ हैं, ये रस्ता वो है। अच्छा वो है, वो तो पता चल गया, द्वार है, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। तो अंदर मंदिर है, अंदर मंदिर है उसके। तो गाइस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, और हर तरफ इतना हिल्स एंड माउंटेन हैं जिसमें कि बर्फ ही बर्फ है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है D5 और अब हम जा रहे हैं यमुनोत्री जी के दर्शन करने के लिए। सुबह के 5 बज रहे हैं और बस अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। यहाँ पे सब लोग बता रहे हैं ज़्यादा वॉक नहीं करना पड़ता, सिर्फ 1 किलोमीटर की जर्नी है, मतलब पैदल चलने की, और उसके बाद फिर दर्शन हो जाते हैं। बाकी तो मैं आपको फीडबैक देती ही रहती हूँ, स्टे ट्यून्ड। मैं दिखाती हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको बर्फ के पहाड़, वाओ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, शायद कैमरे में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना रियलिटी में दिख रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, मैं आपको बस बयान नहीं कर सकती, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बहुत ठंड है यहाँ, देखिए मुँह से सिगरेट वाला धुआं। गुड मॉर्निंग, पापों से
मेरा बिल्कुल सामने है गोमुख ग्लेशियर, वहाँ से गंगा जी पर आती है, मतलब यहीं से ओरिजिन है गंगा जी की, इस पर्वत से लाइट से कवर्ड है, धाम तेरा है, पीछे वाला तो छोटा सा दिख रहा है, अच्छा नहीं जा रहे हैं, साधु आके बर्फ नहीं है लोगों को, अच्छा तेरी जयकार लगा के जय जय गंगे गाते, गंगे मैया के दर्शन को हम, गंगे मैया के दर्शन को हम, तो करीब 1 किलोमीटर की जर्नी है, मतलब पैदल पैदल की रास्ता है यहाँ से दर्शन मंदिर तक का, और यहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स भी बने हुए हैं, पूजा की चीज़ें मिल रही हैं जिनमें की मॉर्निंग में आने में ये फ़ायदे रहते हैं, भीड़ कम होती है थोड़ी, जितना देर में आओ उतनी भीड़ बढ़ जाती है यहाँ पे हर जगह पे। पहुँच चुके हैं मंदिर के द्वार पे और यहाँ से एंट्रेंस करेंगे हम, यहाँ सब तरफ प्रसाद वगैरह भी मिल, बहुत लाइन लगी हुई है, हम लोग भी लाइन में लग गए हैं दर्शन के लिए, यमुनोत्री कर लिया आपने दर्शन? हाँ यमुनोत्री कर लिया। अच्छा कल केदारनाथ जाएंगे? कल के परसों केदारनाथ जाएंगे, हम लोग भी परसों जाएंगे। और कहाँ से आए? अहमदाबाद से। हाँ गुजरात अहमदाबाद से। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? योगिता। अच्छा, मेरा नाम नीतू है और मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ, यहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा, और आज इतना अच्छा प्लेजेंट मौसम हो गया, रात में बहुत बारिश थी, अभी धूप निकला है एकदम बढ़िया, सुबह सुबह अच्छे से दर्शन भी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ये मेरे पीछे है मंदिर, ये गंगा मैया का मंदिर है, लेकिन इसमें अंदर फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं था, तो मैंने फ़ोटोज़ नहीं लिए। गंगे मैया के दर्शन को हम, गंगे मैया के दर्शन को हम, आए हैं बड़ी दूर से करते जयकार हम, करते जय। ये भागीरथी नदी है जो कि गोमुख पर्वत से आती है और आगे जाकर इसी का नाम गंगा पड़ जाता है, जब ये कहीं जाकर कुछ नदियां आपस में मिलती हैं फिर इसका नाम गंगा हो जाता है। मैंने यहाँ से जल ले लिया है भागीरथी नदी का, गंगोत्री का, यहाँ पे ये सारे माले वाले बिक रहे हैं, हमने ले लिए 2 ब्रेसलेट, ये वाले मोतियों वाले रेड एंड ब्लू मोती, और मैंने एक अंगूठी भी ली, बिंदी ली, छोटी मोटी शॉपिंग कर ली ऐसे, तो मैंने ले लिए ये गंगा जली भाई रे पवित्र जल का ये कंटेनर, इसको बोलते हैं गंगा जली, क्योंकि अब गंगोत्री आए हैं तो ये तो बनता ही है गंगा जल ले जाने के लिए। फाइनली दर्शन हो गए हैं गंगोत्री के, 2 धाम मेरे कंप्लीट हो गए, बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैंने गंगा जल भी ले लिया, गंगा जली भी ले लिया और ब्रेकफास्ट भी हो गया, अब बस पार्किंग की तरफ जा रहे हैं और अब वापस जाएंगे होटल। जय गंगा मैया की। गाइस यहाँ पर भी इस तरह से ये व्हील चेयर्स टाइप की हैं, जो लोग बहुत ओल्ड एज वाले हैं जो चल नहीं सकते हैं वो इन पर जा करके दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि अराउंड 1 किलोमीटर की जर्नी है ये पैदल की, घोड़े या पालकी नहीं चलती हैं, सिर्फ ये व्हील चेयर्स चल रही हैं। ओके भैया क्या चार्ज लेते हो इसका? इसका क्या चार्ज लेते हो? 450 आना जाना। 450 रुपये में ये आना जाना ले जाते हैं, कुछ कम भी करते हो? तो ये इनका प्राइस है 450। तो गाइस जब गंगोत्री के दर्शन हम कर लेते हैं उसके बाद हम लोग जाते हैं, सारे ही लोग जाते हैं केदारनाथ जी के दर्शन के लिए,
तो केदारनाथ जी के दर्शन के लिए जब हम जाते हैं तो गंगोत्री से उसका डिस्टेंस करीब 350 किलोमीटर हिल्स, तो बहुत लेंदी हो जाता है रास्ता। इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग आधा जर्नी आज करेंगे आधा कल, यानी कि हम लोग करीब 11 बजे गंगोत्री जी से दर्शन करके निकले हैं और 5 या 6 बजे तक ट्रैवल करेंगे और 6 बजे जहाँ भी हम वॉल्ट कर लेंगे, फिर आधी जर्नी हम कल करेंगे और परसों सुबह हम लोग केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे। अब सबसे टफ वही है, देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी तक तो दो जगह बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत भीड़ भी नहीं मिली, अब आगे भी अच्छे ही हो जाएंगे, बाबा की कृपा रहेगी तो। ये कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं, बहुत प्रिटी है ये, बहुत ही सुंदर है। कहाँ से आई आप? एमपी से? एमपी से, इंदौर से। फाइनली मेरे दर्शन हो गए आज, बहुत रोना आया, खुशी के आंसू थे। हर हर महादेव। पहाड़ों पर आए और मैगी ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता है।